हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंकों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंक का फॉर्मेशन ईयर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर, इसके MD या CEO का नाम, या तो पूछी जाती है टैगलाइन, तो इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 नेशनल और इंटरनेशनल बैंक को डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 10 से 15 दिन पहले ही 3 नए बैंकों के MD और CEO की नियुक्ति हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। तो सबसे पहले हम तीनों बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। सबसे पहले यदि बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 में। हेडक्वार्टर स्थित है वडोदरा, गुजरात में। अध्यक्ष है हसमुख अधिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है MD और CEO का नाम, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। फिर नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 7 सितंबर 1906 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था, साथ ही भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ये ओपन किया गया है मुंबई में ही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। और बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में MD CEO हैं अतनु कुमार दास, कुछ समय पहले ही नियुक्त हुए हैं। और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना की गई थी 1969 में। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है तो मैं आप लोग बता दूं, कैनरा बैंक की स्थापना वैसे की गई थी 1906 में, लेकिन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट बैंक के नाम पर। इसके बाद 1910 में इसका नामकरण किया गया कैनरा बैंक लिमिटेड, और 1969 से इसे कैनरा बैंक के नाम से जाना जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बैंगलोर, कर्नाटक में। बैंगलोर में ही हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। कैनरा बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है TN मनोहरन, और MD CEO भी हाल ही में बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो अभी मैंने जो तीन बैंकों के MD CEO बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, और कैनरा बैंक, इसके MD CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके 25वें क्रम के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यदि पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये थे CD देशमुख। और 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, NS विश्वनाथन, MK जैन, BP कनुंगो, और अभी हाल ही में माइकल डी पात्रा बने हैं RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले इसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा 1955 से। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है रजनीश कुमार, और इसकी टैगलाइन है विथ ऑल ऑफ यू, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और नेशन बैंक ऑन अस। नेक्स्ट है CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD CEO है पल्लव महापात्र, और इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। और मैं आप लोग बता दूं, मोस्टली बैंकों के जो हेडक्वार्टर हैं ये स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब यदि हम बात करें अलाहाबाद बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1865 में। हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता में। कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये परिवर्तित नाम आप याद रखेंगे।
इलाहाबाद बैंक के एमडी सीईओ ये हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 में। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसके टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और चेयरमैन और एमडी ये हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव और इसके टैगलाइन है ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ हैं मिस्टर विश्ववीर आहूजा। और इस बैंक का नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये बैंक चर्चे में रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है? क्योंकि भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लॉन्च किया था आरबीएल बैंक ने ही, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाबार्ड, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भनवाला। फिर हमारा नेक्स्ट बैंक है एचडीएफसी बैंक, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी है आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2003 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ का नाम है उदय कोटक और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं एम आर कुमार। और अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इसमें LIC की कुछ शेयरिंग बेचने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है यस बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं रवनीत गिल और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी सीईओ का नाम, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम, क्योंकि इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है, अनीता पाई। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है यूको बैंक, यूको यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। स्थापना हुई थी 1943 में। हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता में और इसके भी एमडी सीईओ 2-3 महीने पहले ही बनाए गए हैं। इनका नाम है अतुल कुमार सहाय और इस बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। मेंबर कंट्रीज है कुल 189 और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम, यानी कि चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर का नाम, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ ये केरल के मुख्यमंत्री की भी मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो IMF है इसने भारत की GDP वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? 4.8%। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। इसकी भी मेंबर कंट्रीज है कुल 189 और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है और USA से हैं। CFO इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये हैं अंशुला कांत, ये भी भारतीय हैं और ये SBI में पहले MD थी, जिनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक में CFO के रूप में कर दी गई है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसने भारत की GDP वित्तीय वर्ष के लिए फोरकास्ट की है 5%। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है फिलीपींस मनीला में, यानी कि मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा,
पहले थे ताके हिको नकाओ, और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और जो एडीबी है इसने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है, 5.1%, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और फिलीपींस से आप लोगों को क्या याद आता है, जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है जिसे कि एशिया का नोबल भी कहा जाता है, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और जो 2019 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किस भारतीय को दिया गया था, रवीश कुमार को, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे बैंक और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटेड रूप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।